डिकस करेंगे और जो रेस्ट फ्रॉम सिक्स टिल थर्टी फर्स्ट है वो आपके सेकेंड पार्ट में आएंगे सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनी कॉन्सेप्ट इन द फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ और अगर वीडियो में समझने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो भी यू कैन रीच आउट टू मी और रीच आउट कैसे करेंगे यू कैन राइट मी एन ई मेल एट पी एस क्लासेज आईसीएस डॉट कॉम यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो और यू कैन ऑल्सो राइट टू मी ऑन टेलीग्राम सो स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टूडे ऑल राइट स्टूडेंट्स आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन कवर अप करेंगे ताकि आप आ, कम टाइम में मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन डिस्कशन ज्यादा नहीं होगा बिकॉज दैट इज एन एजम्शन वेन यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन द रिलेटिव अटोमिक मास ऑफ क्लोरिना टर्म इज थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ए एम यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो क्लोरिन होता है उसके दो आइसोटोप होते हैं जिसमें वो कॉमनली एग्जिस्ट करता है सो वन ऑफ दी यूजरेंट कलर ऑफ माइ पेन ओके सो क्लोरिन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं एक हो गया क्लोरिन थर्टी फाइव एक हो गया क्लोरिन थर्टी सेवन जो कॉमनली एग्जिस्टिंग क्लोरिन हमें मिलता है उसका एक स्पेसिफिक रेशो है थ्री इज वन का सो थ्री पार्ट्स होते हैं आइसोटोप 35 के और वन पार्ट होता है आइसोटोप 37 का सो so, इन दोनों का इन दोनों आइसोटोप्स का आप रेशो निकालते हो रेशो एज देन आप कह सकते हो एवरेज निकालते हो एंड दैट बिकम्स योर रिलेटिव अटोमिक मास ऑफ क्लोरीन विच इज थर्टी अब जब आपको ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है तो आप लिखोगे कैसे रिलेटिव अटोमिक मासेज ऑफ एनी एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव अटोमिक मासज ऑफ इट्स नेचुरल आइसोटोप्स ठीक है जो भी उसके नेचुरल आइसोटोप्स है एवरेज निकालते, निकालते हो आप उसके अटोमिक मासस का क्लोरिन कंसिस्ट ऑफ अर ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ मासस थर्टी फाइव एंड थर्टी सेवन इन द रेशो थ्री टू वन अब आप इस रेशो को कैलकुलेट कैसे करोगे सो so, जो आपका थर्टी फाइव वाला आइसोटोप है उसके थ्री पार्ट है

वॉट इज द वैल्यू ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एस टीपी जब हमारी मोलर वॉल्यूम की बात होती है तो जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है वही पूछी गई है दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स ठीक है डिफाइन और एक्सप्लेन द टर्म्स सबसे पहला आ गया वेपर डेंसिटी ओके सो वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द मासज ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस and hydrogen under the same conditions of temperature and pressure <coughs> okay so iska jo formula bhi likhte hain wo aap is tarike se likhenge ki mass of equal volume matlab मतलब volume v of any gas divided by mass of same value v of hydrogen gas इस तरीके से आप उसे calculate करते हैं vapor density को.

रिलेटिव अटोमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज देन ऑफ द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व अब आपको याद होगा कि जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आई टोल्ड यू कि कार्बन के आटम को एक बड़ा सा तरबूज मान के चलो ठीक है वॉटरमेलन आपने उसको ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैं पार्ट्स काउंट नहीं कर रही ठीक है इक्वल ट में आपने उसको डिवाइड कर दिया आपने एक पार्ट को उठाया दैट इज वन कार्बन और इसी से आप सब कंपेयर करोगे जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उनको जो आप कंपेयर करोगे उसका वेट जो आप कंपेयर करोगे वो वन टूल्थ ऑफ कार्बन से कंपेयर करोगे इसीलिए इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखी जाती है रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हेवियर देन कंपेयर कर रहे हो आप हेवियर देन वॉट टाइम्स किसका ऑफ द मास ऑफ कार्बन टूएल्व आगे बात समझ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अब अब पूरे मॉलिक्यूल की बात हो रही है वो था आपका एटम के बारे में बात अब आपकी मॉलिक्यूल की बात हो रही है मान लो पहले आपने हाइड्रोजन की बात करी अकेली ठीक है अब आप H2 टू एज अ गैस पूरा मतलब एज अ मॉलिक्यूल आप उसकी बात कर रहे हो ठीक है सो so मॉलिक्यूल जब हम बात करेंगे तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट उंड इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वन मोलिक्यूल ऑफ अबेंस इजियर देन ट मास ऑफ कार्बन कार्बन 12 ठीक है नाउ एवोगाड्रोस नंबर एवोगाड्रोस नंबर कुछ नहीं है इट इज जस्ट अ नंबर जो आपको यह बताता है कि कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है और क्योंकि आप सारे कंपैरिजन कार्बन 12 से करते हो इसलिए उसका भी नाम आ जाता है बीच में पर घबराने की जरूरत नहीं है सो एवोगadro's नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन किसमें 12 12 ग्राम्स ऑफ व्हाट ग्राम एटॉमिक मास और किसका बात कर रहे हैं हम C12 कार्बन 12 आइसोटोप और अमाउंट होता कितना है इट इज 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एफ दैट इज ग्राम एटम ग्राम एटम का मतलब क्या है द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट Which weighs equal to its gram atomic mass is called कॉल्ड gram atom of that element. आगे बात समझ The quantity of an element which weighs मतलब ये आपको टेक्निकली देखा जाए तो आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही रेयरली आता है पर क्या होता है कई बार जब आपका ग्राम uh, atomic मास और वन ग्राम एटम दोनों इक्वल हो जाते हैं उसको हम ग्राम एटम कहते हैं ठीक है सो so, क्या क्या चीजें इक्वल हो रही है कि जो आपकी एलिमेंट की क्वांटिटी है और जो आपका ग्राम मास है दोनों आपस यूनिट्स एज देयर आर एटम्स इज एक्सैक्टली ट्वेल्व ग्राम कार्बन तो आप कार्बन ट्वेल्व से ही देखो आप कितना कंपेयर कर रहे हो हर चीज को क्यों कर रहे हैं हम हर चीज कंपेयर क्योंकि जब कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी और एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बारे में डिटेल रिसर्च होनी स्टार्ट हुई थी तो जब उनका वजन करना स्टार्ट किया तो पता चला कि वो बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होते हैं तो उनके बारे में एक्सैक्टली स्टडी करने के लिए आपको कोई कंपेयरिंग फैक्टर चाहिए और वो कंपेयरिंग फैक्टर बना आपका कार्बन ट्वेल्व कि कार्बन ट्वेल्व का वन ट्वेल्व पार्ट इतना है तो ये कितना होगा इस तरीके से कंपेरिजन के बेसिस पे आपने सारे एलिमेंट्स का वजन सीखा उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्वेश्चन नंबर थ्री कहाँ है ये रहा वॉट आर द मेन दिन ऑफ एवो लॉ मेन एप्लीकेशन क्या है आप एवो लॉ को यूज कहा करते हो सो इट एक्सप्लेन गेलू सेक्स लॉ सबसे पहली बात है कभी मत भूलना इट प्रिडिक्समसिटी ऑफ गैसेजोमिसिटी क्या हुआ जैसे क्लोरीन है क्लोरीन के अंदर कितने है दो एटम है वो है ये प्रिडिक्ट करता है इट डिटरमाइंस द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गैसे जो मॉलिक्युलर फॉर्मुला बनेगा जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन एक है ऑक्सीजन दो है ये कैसे पता चला ये मोलिक्युलर फॉर्मूला है ठीक है से से आप आप कैसे बनेगा वो भी इसी पता करते हो इट डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी मास और वेपर डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम मोलिकुलर मास एंड ग्राम मोलर वॉल्यूम ठीक है ये हो गया आपकी एप्लीकेशन पार्ट बी हाउ gay lussac's लॉ एक्सप्लेन combining volumes अब स्टूडेंट्स आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही क्लैरिटी है कि प्रूफ्स हो गए आपस में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है चीजों की वो नहीं है सिलेबस में ठीक है बट फिर भी अगर आपके स्कूल में कराया गया है मैं आपको करा रही हूँ ठीक है आई डोंट वॉन्ट यू टू बी इन अ ट्रबल समशन अकॉर्डिंग टू एवो लॉ अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेज सेम नंबर ऑफ ऑफ मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब यह है कि अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर सारी एक्सटर्नल कंडीशंस आपकी सेम रखी गई हैं तो और आपकी वॉल्यूम भी सेम है तो चाहे दो अलग अलग कंटेनर के अंदर गैसेस हैं उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे ना वो एक्जैक्टली exactly सेम होंगे ये कह रहे हैं सिंस सबसे इन सिंपल रेशियो बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रियक्टेंट एंडक्ट विल ऑल्सो बेयर अलेशन एन अदर कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है मतलब आपके रिएक्टेंट्स हैं जो कंबाइन करके आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं सो so, आपके रिएक्टेंट्स और कंबाइन करने में भी दे यूज अ स्पेसिफिक होल नंबर रेशो सिंपल होल नंबर रेशो यूज होता है ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा आधा वाटर कंबाइन कर रहा है आधा वाटर कंबाइन नहीं कर सकता वन फुल वाटर विल कंबाइन या वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल कंबाइन सो दैट इज वॉट आर कंपेयरिंग हियर दिस इज वाई गेलूसेक्स नाउ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू टू एच सी एल तो जब आपने वॉल्यूम्स को कंपेयर किया तो आपने देखा वन वॉल्यूम हाइड्रोजन की थी वन वॉल्यूम क्लोरीन की थी और आपको टोटल प्रोडक्ट में दो वॉल्यूम आई दोनों को कंबाइन करने के बाद यह इन्फॉर्मेशन आई आपको गेल यूसेक्स लॉके उसके बाद जब आपने रेशोज की बात करी मतलब जो हम सिंपल रेशोस कह रहे हैं अगर एन मॉलिक्यूल्स हैं यहां और ये भी एन मॉलिक्यूल्स है तो टोटल कंबाइन होकर टू एन मॉलिक्यूल्स बनेंगे ऐसा नहीं है कि कोई मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा जितने मॉलिक्यूल से स्टार्ट करोगे उतने ही मॉलिक्यूल लाइन में मिलेंगे ठीक है सो दिस इज द कंपेरिजन अब आ जाते हैं कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ए टू जी बहुत सारे पार्ट्स दे दिए उन्होंने चलिए वही करते हैं ओके अमोनियम क्लोरोप्लैटिनेट अब स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको सारे ही एटॉमिक मासेस लिख के दिए जाते हैं दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको सारे याद होंगे तो अगर वो आपको कोई क्वेश्चन में रिलेटिव आपको ऑटोमिक मास कैलकुलेट करना भी पड़ गया तो उसके ऑटोम आपको दिए होंगे फॉर्मूला दिया होगा या नहीं दिया होगा ये हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं होती कई बार दिया भी होता है और एक आधी बार रेयर इक्वेजन अगर किस्मत बहुत ही खराब निकली तो हो सकता है ना दिया हो पर अगर उन्होंने नहीं दिया होता तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं देखा मैंने क्वेश्चन थोड़ा इजी ही क्वेश्चन देंगे तो अमोनियम क्लोरोप्लाटेनेट तो ये बन गया आपका फॉर्मूला ठीक है उसके बाद आप अटोमिक कैलकुलेट करेंगे अब कैसे कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन का होता है 14, उसके बाद आपका हाइड्रोजन का है फोर टाइम्स वन अब क्योंकि पूरे के बाहर पूरे ब्रैकेट के बाहर टू है तो पूरा ब्रैकेट क्लोज करके टाइम्स टू कर दिया आपने प्लस प्लेटिनम का होता है 195 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 टाइम्स सिक्स ठीक है इसे कैलकुलेट करेंगे 18 टाइम्स 2 आ गया प्लस 195 6 टाइम्स 35.5 आपका फाइनल आंसर आ गया ट्रिपल 4 amu सिमिलरली मूविंग ऑन तू केसियलो 3 पोटाशिम का होता है 39 क्लोरीन का होता है 35.5 ऑक्सीजन का होता है 16 टाइम्स 3 इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 122.5 amu स्टूडेंट्स मैं थोड़ा फास्ट पेस पे आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ पर अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है डिफिकल्ट लग रहा है तो डेफिनेटली रीच आउट करके अपना डाउट क्लैरिफाई करवा लेना नाउ मूविंग ऑन ये हो गया कॉपर का सल्फर का है थर्टी टू ऑक्सीजन का है सिक्सटीन टाइम्स फोर प्लस अब वॉटर है ना तो वॉटर का पूरे ओवरऑल फाइव एच टू ओ लिखा है करेक्ट तो पूरे फाइव बाहर आ जाएगा पूरे वॉटर के और वाटर का मुझे पता है कि टोटल एटीन होता है एटीन कैसे ऑक्सीजन का होता है सिक्सटीन हाइड्रोजन का है दो टोटल सो इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया सो वेन यू दैट एंड कैलकुलेट यू गेट टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव ए एम यू नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एन एच फोर SO4 टू आइस फोर अगेन नाइट्रोजन का फोर्टीन हाइड्रोजन का है वन टाइम्स फोर सल्फर का है थर्टी टू ऑक्सीजन का है सिक्सटीन टाइम्स फोर तो आपने जब कैलकुलेट किया यू एंड वन थर्टी टू ए एम यू फिर आ जाइए सी एच थ्री एन ए कार्बन का ट्वेल्व हाइड्रोजन का फोर फिर कार्बन का ट्वेल्व ऑक्सीजन हो गए सोलह सोलह सोडियम हो गया ट्वेंटी थ्री पूरे को कैलकुलेट कर लो आ गया ए एमयू नेक्स्ट सी एच सी एल थ्री कार्बन है ट्वेल्व टाइम्स वन हाइड्रोजन है वन टाइम्स वन क्लोरीन है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव टाइम्स थ्री इसको कैलकुलेट करोगे यू एंड अप विद 119.5 amu मूविंग ऑन टू द जी पार्ट nh4 होल टू वाइज cr2o7 अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज नाइट्रोजन का 14 हाइड्रोजन का है 4 टाइम्स 1 और पूरे ही ब्रैकेट के बाहर 2 है तो आपने पूरा ब्रैकेट क्लोज करके बाहर 2 लगाया फॉर मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 51.9 क्यों क्योंकि क्रोमियम का होता है 51.9 प्लस सेवन हो गए आपके ऑक्सीजन के एटम्स और टाइम सिक्सटीन इसको पूरा सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करोगे तो यू गेट टू फिफ्टी वन पॉइंट एट एमयू अप्रोक्सीमेशन के लिए टू फिफ्टी टू भी लिख सकते हो पर कंपल्सरी नहीं है आगे बात समझ नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अब ये वाले क्वेश्चन ध्यान से समझना ठीक है क्योंकि ये वाले अलग अलग ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन चार अलग अलग चीजें पूछ ली किसी में मॉलिक्यूल्स पूछ लिए किसी में वेट पूछ लिया किसी में मोल्स uh, पूछ लिए ठीक है तो ये वाला ध्यान से सुनो एक बार सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा फिर दिक्कत नहीं आएगी सो so, जो क्वेश्चन फिफ्थ का ए पार्ट है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेवेंटी थ्री ग्राम ऑफ एच सी एल ये आपको निकालना है सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां से है सोल्यूशन स्टार्ट सबसे पहले आप ग्राम मॉलिकुलर मास निकालेंगे किसका HCl का हाइड्रोजन होता है वन क्लोरीन है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव टोटल आ गया थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है अब थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव जो आपका होता है वन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ठीक है दैट इज इक्वल टू वन मोल दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टाइम्स टेन टू दार ट्वेंटी थ्री करेक्ट इतने मॉलिक्यूल होते हैं अब जो आपका ग्राम मोलिक्यूलर मास है that is equal to 10 to the 23. Correct? इतने इतने तो ग्राम में कितने हुए? इतना, by इतने हुए। इतना और क्वेश्चन पूछा है का, तो 73 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेवेंटी थ्री में कितने हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेट करेंगे यू एंड अप विद 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर 23 24 मॉलिक्यूल्स नाउ स्टूडेंट्स अगर कैलकुलेशन में आपकी दिक्कत हो रही है लास्ट में आके प्लीज मेक श्योर दैट यू लेट मी नो ताकि मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं ऑन बेस्ड ओनली ऑन कि कैलकुलेशंस को कैसे करना है इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर तो कभी पहुंचेगा ही नहीं तो पूरे नंबर कैसे आएंगे तो दो चीजों पे फोकस करो पहली बात मुझे एटलीस्ट बताओ प्रॉब्लम क्या है दूसरी बात प्रैक्टिस प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ कैलकुलेटर को यूज मत करो मैनुअली कैलकुलेशन करो एंड सी वे योर लैगिंग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कैलकुलेशन में स्पीड भी बढ़ती जाएगी आगे बात समझ लेट्स मूव ऑन टू द बी पार्ट बी पार्ट इज वेट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ ऑक्सीजन अब वन मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना वे करता है सिक्सटीन हो गया उसका मास ठीक है और कितने आटम है? दो एटम है. So, तो है तो जीरो सोलह ऑफ मोलिक्यूल इन वन पॉइंट एट ग्राम ऑफ वॉटर अब जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है वॉटर का वो होता है एटीन ग्राम जब एटीन ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है तो वन ग्राम में हुए इतना डिवाइड बाई एटीन पूछा है 1.8 में तो 1.8 आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ 6.022 सिक्स जीरो मल्टीप्लाईड तो जो फाइनल आंसर आया आपका क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे आपके पास एक जो 10 ये वाला 10 हुआ इसने एक आपकी पावर कम कर दी सो यू एंड अप सिक्स जीरो टू टू टाइम टेन टू दार्वेंटी टू मॉलिक्यूल ठीक है स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द डी पार्ट Of moles in 10 grams of of moles निकालने अब जो चीज निकालनी होती है वो आती है राइट हैंड साइड पे जो चीज दे रखी होती है वो जाती है लेफ्ट हैंड साइड पे तो यहाँ आपका ग्राम जाएगा वेट मतलब और यहाँ आपके मोल्स होंगे ग्राम मोलिकुलर मास कितना निकला कैल्शियम का है फोर्टी कार्बन का है ट्वेल्व ऑक्सीजन का है सिक्सटीन टाइम्स थ्री आपका हंड्रेड ग्राम अगर 100 ग्राम इज इक्वल टू वन मोल तो वन ग्राम हुआ वन अपॉन हंड्रेड और टेन ग्राम हुआ टाइम्स मतलब जीरो पॉइंट डी पार्ट हो गया ई पार्ट पार्टेट ऑफ जीरो पॉइंट टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अब जो आपको हाइड्रोजन गैस का क्या निकालना है वेट निकालना है तो वेट निकालना है तो वेट आ गया आपका राइट हैंड साइड पे और आपको दे रखे हैं मोल्स तो मोल्स आ गए आपके लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब इस क्वेश्चन में जो कंपैरिजन चलेगी वो मोल्स और वेट की चलेगी मतलब ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लिया आपने टू ग्राम टू ग्राम कैसे हाइड्रोजन का होता है वन H2 मतलब दो तो ग्राम मोलिकुलर मास आ गया दो ग्राम अगर एक मोल के अंदर दो ग्राम होते हैं तो जीरो के अंदर होंगे टू टाइम्स जीरो मतलब जीरो ग्राम देन मूविंग ऑन टू द एफ पार्ट

तो जब आप इसे फाइनल कैलकुलेट करोगे तो यू विल एंड अप अप्री पॉइंट जीरो ट्वेंटी टू मॉलिक्यूल आगे बात समझ अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे मोस्ट क्या क्या ऑप्शन है आपके पास वन मोल ऑफ वॉटर वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वन मोल ऑफ अमोनिया वन मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अब ऐसे आप डायरेक्टली इसे आंसर नहीं कर सकते आपको इंडिविजुअली इन सब का वेट कैलकुलेट करना होगा देन यू कंपेयर एंड फाइनलाइज कि वन विल बी द मोस्ट सो लेट्स सी अब आपने वाटर का निकाला वाटर का क्या आया एटीन ग्राम कैसे टू इंटू वन दो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन का होता है वन प्लस सिक्सटीन अट्ठारह आ गया कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का होता है ट्वेल्व ऑक्सीजन का है सिक्सटीन टाइम्स टू आ गया फोर्टी फोर ग्राम्स अमोनिया फोर्टीन और ये हो योग थ्री हाइड्रोजन थ्री तो इंटू वन सेवन कार्बन मोनोऑक्साइड तो अब अगर इन्हें सब में कंपेयर करो तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज द मोस्ट हैवी वन सो आपका आंसर आ जाएगा सीओ टू इज आंसर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आप इंडिविजुअली सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करोगे एंड लेट्स सी ओके अब जो जो आपका इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना जो आपको मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने है, चार पांच तो उस केस में आप फाइनल आंसर पे रीच नहीं करेंगे कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करेंगे आप बस उसे उस कैटेगरी में लाएंगे मतलब एक फॉर्मुला वाली बेसिस में लाएंगे जहां आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है बट उसे सॉल्व नहीं करेंगे ऐसा क्यों क्योंकि जब आप इतने बड़े नंबर्स को सोल्व करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे दूसरी बात जब आप रेशियो की बात कर रहे हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो जो न्यूमरेटर है वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में काफी हद तक सेम जाएगा या फिर डिनोमिनेटर सेम जाएगा तो आपको कंपेयर करना आसान हो जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है आगे बात समझ ओके लेट्स मूव ऑन तो क्वेश्चन नंबर सेवन का ए पार्ट में सबसे पहले सॉल्व कर रही हूं जिसमें हम ऑक्सीजन का निकालेंगे फोर ग्राम है ऑक्सीजन तो टू टाइम सिक्सटीन थर्टी टू तो उसका वेट आ गया अब थर्टी टू ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है इतने मॉलिक्यूल है

डिनोमिनेटर का आपका डायरेक्ट कंपैरिजन ये होगा कि जो डिनोमिनेटर में ज्यादा होता है अमाउंट उसकी ओवरऑल वैल्यू उतनी कम होती है जितना डिनोमिनेटर आपका कम होगा उतनी आपकी ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कैलकुलेट नहीं ये वाला नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल उसमें होंगे जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा तो अब आप फटाफट कंपेयर कर लो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है आपका देखा जाए अमोनिया का तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अमोनिया कंपेयरिंग ए बी सी एंड डी आंसर इज बी अमोनिया जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर की वैल्यू उतना बड़ा ओवरऑल नंबर तो इस वजह से आपका अमोनिया फाइनल आंसर है फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट पे क्वेश्चन नंबर एट कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन जीरो पॉइंट वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ठीक है भाई

तो आप उसे मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे ठीक है इतने एटम हैं जो हाइड्रोजन के इस्तेमाल हो रहे हैं ठीक yeah, है yeah. तो वन मोल ऑफ एक्स टू एसरो पार ट्वेंटी थ्री फिर जीरो पॉइंट वन मोल का निकालोगे तो उसे मल्टीप्लाई कर लो तो फाइनल आंसर कैलकुलेशंस के बाद आना चाहिए 1.2 टाइम्स 10 टू दी थ्री उसके बाद मूविंग ऑन टू द सी पार्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब मॉलिक्यूल निकालने इन वन के जी वन के जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड वन के जी ही कैल्शियम क्लोराइड ठीक है ग्राम मॉलिकुलर मास निकाल लो कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम हो गया फोर्टी क्लोरीन है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव टू से मल्टीप्लाई कर दो और फिर एड कर दो आपके पास ग्राम मॉलिकुलर मास आ गया ट्रिपल वन अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको वेट दे रखा है वेट की कंडीशन पता है और कैलकुलेट करने हैं मॉलिक्यूल्स ठीक है तो ये कंपैरिजन चलेगा तो ट्रिपल वन, ग्राम्स CACL2, कितने होते पार 23 वन ग्राम सी एल टू कितने कितने दो और क्योंकि उन्होंने वन केजी का पूछा है सो वन केजी का हो गया सिक्स पॉइंटेड बाई ट्रिपल वन मल्टीप्लाइड उसको सिंप्लीफाई प्रेजेंट इन जीरो से सारे okay, पार्ट है किसी में जीरो पॉइंट टू मोल पूछा है <coughs> अगर स्टूडेंट्स को खुद से प्रैक्टिस करनी है तो जब मैं पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ किसी भी पूरे पार्ट का मतलब जैसे आपके एक क्वेश्चन है जैसे पांच छह पार्ट्स है जैसे ही मैं पहला वाला डिस्कस कर लेती हूं, आप पॉज करके बाकी दो तीन खुद से ट्राई करो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती जाएगी तो सबसे पहले में हम कैसे करेंगे वन मोल ऑफ हैज कितना मास ग्राम दे रखा है तो जीरो पॉइंट टू मोल में कितना हुआ टू टाइम टू जीरो पॉइंट टू टाइम्स ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर ग्राम्स बी पार्ट में उन्होंने पूछा है उ मनी ग्राम्स ऑफ एच सी एल आर प्रेजेंट इन जीरो पॉइंट इट ठीक है तो अगर एक मोल में आपका इतना है, कितना? क्योंकि कि किस में पूछा है आपका एच सी एल में तो वन हो गया हाइड्रोजन का क्लोरिन का हो गया थर्टी फाइव पॉइंट फाइव तो टोटल हो गया थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट वन मोल में होगा इतना उसे मल्टीप्लाई कर दो सिंपली अब अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वॉटर आर प्रेजेंट जीरो पॉइंट टू मोल ऑफ इट अब इस केस में फिर से आपसे वेट पूछा गया है तो वेट आ गया जीरो पॉइंट टू का कितना टाइम्स जीरो पॉइंट टू कर दीजिए तो थ्री पॉइंट सिक्स ग्राम आ जाएगा आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन जीरो पॉइंट वन मोल ऑफ इट ठीक है तो फिर से आपको वेट यहां पे दिया है यहां मोल्स दिए गए हैं सो so, अगर एक मोल में इतना है कितना 44 कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको याद भी हो जाना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया आपका 44 वाटर का आपको याद हो गया होगा 18 होता है ऑक्सीजन का आपको याद हो गया होगा 32 होता है ठीक है तो बेसिक बेसिक तो आपको याद चाहिए हाइड्रोजन का टू होता है ठीक है तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे जो आपके मोस्ट कॉमन कंपाउंड है उसका तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं जब एक मोल में फोर्टी फोर ग्राम्स है तो जीरो पॉइंट वन मोल में कितने हुए क्वेश्चन नंबर टेंथ का फर्स्ट पार्ट पहले मैं देख लू क्वेश्चन यही है टेंथ का फर्स्ट पार्ट अच्छा द सर्टेन गैस एट एस टी पी एस ट्वेल्व ग्राम्स ठीक है तो मास ऑफ इतना तो वॉल्यूम दे रखी है आपको और ओवरऑल मास दे रखा है व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ़ और मोलर रिलेटिव मासिकुलर मास और मोलर मास ऑफ द गैस अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर्टेन गैस कितना मास है उसका 12 ग्राम अब इस केस में अगर आप देखो आप एक तरफ वॉल्यूम लेके चल रहे हो और एक तरफ आप वेट लेके चल रहे हो सबसे पहले हमेशा क्वेश्चन में देखो क्या इन्फॉर्मेशन पूछी गई है और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है ताकि जब आप स्टैंडर्ड कंपेयर करो वो गलत ना हो ठीक है तो वन लीटर में कितना है 12 और ट्वेंटी तो तो फिर बी पार्ट पे आ जाइए कैलकुलेट दॉल्यूम ऑफ्यूपाइट एस टीपी बाई टू मोलू अब आपको वॉल्यूम निकालनी है और आपको मोल्स दे रखे हैं अगर एक मोल में कितनी वॉल्यूम होती है स्टैंडर्ड 22.4 होती है तो टू मोल्स में कितनी हो गई इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ट्वेंटी आगे फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर्स ठीक है फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन एट ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ठीक है भाई ओके तो वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जिसमें कि आप में एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो जो सीओ टू है उसके अंदर कितने आटम निकले अब ऑक्सीजन के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको उसका वजन दे दिया गया है अब आपको इससे कंपेयर करके इन्फॉर्मेशन निकालनी है सो लेट्स सी जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ऑक्सीजन का वो होता है थर्टी टू क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 16 और O2 कार्बन डाइऑक्साइड है O2 तो उसमें दो ऑक्स दो से मल्टीप्लाई करके आ गया 32 अब जब 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल के अंदर 32 ग्राम प्रेजेंट है तो वन में कितनी प्रेजेंट हुई वन डिवाइड बाय 32 तो 8 में कितनी हुई 8 ग्रामस में हुई 1/32 टाइम्स 8 फाइनल आंसर आ गया 0.25 मोल्स चलिए भाई बी पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट मैं आराम मतलब थोड़ा तेज करा रही हूँ आई अंडरस्टैंड अगर इट्स तो खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए थोड़ा सा वॉकआउट मतलब रूम से वॉक कर रूम से बाहर निकल के थोड़ा वॉक करिए गेट सम फ्रेशर एंड गेट बैक मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है अगर थाम लिया हाथ में कि भैया एक बार मुझे निपटाना है तो निपटा ही लो वरना मैंने बहुत लैग देखा है ये अच्छा कर लेंगे समझ में तो आ ही गया था प्रैक्टिस ही तो करनी है हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी के चक्कर में एग्जाम आ जाते हैं और मूल कॉन्सेप्ट को हाथ नहीं लगाया होता बच्चों ने बस कॉन्सेप्ट होता है वो भी तीन चार महीने पहले तो जब क्वेश्चन लेके बैठो तो ना तो क्वेश्चन समझ में आते हैं करना क्या है और कॉन्सेप्ट तो भूल चुके होते ठीक है थीके? तो बात मानो और क्या करो प्रैक्टिस करो चलिए भाई बी पार्ट पे आ जाओ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इन जीरो पॉइंट एट जीरो ग्राम ऑफ मीथेन तो ग्राम मॉलिकुलर मास निकाल लेते हैं मिथेन का कार्बन का होता है ट्वेल्व हाइड्रोजन है चार टोटल हो गया सोलह sola. तो सोलह gram, सिक्सटीन आप तो फिर आपको पूछा है जीरो पॉइंट एट का तो जीरो पॉइंट एट का कैलकुलेट करने के लिए सिक्सटीन टाइम जीरो पॉइंट एट फाइनल आंसर आ गया आपका जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल ठीक है अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक बार ऊपर आके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कहता है कैलकुलेट द वेट एंड मास ऑफ और उसके बाद बहुत सारे पार्ट चलिए भाई लेट्स 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 डू 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 इट 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 आई नो यू कैन ओके कैलकुलेट द वेट एंड मास आप वेट या मास स्लैश मास आप वो कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले किसका कर रहे हैं एन एटम ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो अगर एक एटम ऑक्सीजन का है जिसका वेट है सोलह ग्राम ठीक है तो सिक्स पॉइंट जीरो ऑक्सीजन में कितने एटम है है ग्राम वेट है. तो वन एटम में कितना वेट हुआ अपॉन इतना तो इसे सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स फाइव सेवन टाइम्स टेन टू दार्ट माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम अब बी पार्ट आप एक बार खुद से ट्राई करो एन एटम ऑफ हाइड्रोजन अकेला हाइड्रोजन का एक अकेला एटम है तो अगर एक अकेले आटम का वजन है आपका वन ग्राम ठीक है तो उसमें कितना कितने हैं आपके सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टाइम्स टेन टू ट्वेंटी थ्री तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे ओके मूविंग ऑन टू सी पार्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है एनएच थ्री उसके एक मॉलिक्यूल में बताना है ठीक तो है तो ग्राम मॉलिक्यूल में बताना होता तो फिर से लेते। पर हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का हो गया फोर्टीन हाइड्रोजन का होता है वन टाइम्स थ्री तो आ गया सेवनटीन ग्राम करेक्ट अब सिक्स इतने मॉलिक्यूल में जितने आपके स्टैंडर्ड है standard तो वन मॉलिक्यूल में कितना हुआ सेवनटीन अपॉन इतना तो इसे सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आया अब डी पार्टा पार्ट ट्वेंटी टू कार्बन ठीक है अब जब एक कार्बन है तो एक कार्बन का वजन कितना है बारह ग्राम स्टैंडर्ड से कंपेयर करना स्टार्ट करो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू के अंदर अगर बारह ग्राम का वजन है तो वन एटम के अंदर कितना हुआ ट्वेल्व अपॉन इतना और क्वेश्चन में पूछा है टेन टू दी टू जब इसका कैलकुलेट करोगे उसे मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट टू ग्राम टू ई द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ओ टू सबसे पहले उसका मॉलिक्यूल पूछा गया है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो वो है थर्टी टू ग्राम सिक्सटीन टाइम्स टू अब अगर इतने मॉलिक्यूल में थर्टी टू का वजन है तो वन मॉलिक्यूल में कितना हुआ थर्टी टू रखे हैं, उसको सि कर लीजिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए आंसर आ जाएगा ठीक है? इतने ग्राम एटम में निकालना है आपको तो जब आप इसका कैलकुलेट करो कैल्शियम का जो बेसिक अटोमिक मतलब वजन है उसका फोर्टी ग्राम है तो जब आप एक ग्राम में कंपेयर कर रहे हो तो फोर्टी ग्राम है जीरो पॉइंट टू फाइव में कैसे पता चलेगा टाइम्स कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्टी टाइम्स जीरो पॉइंट टू फाइव आ गया टेन ग्राम आगे बात समझ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थोर्टीन कैलकुलेट द मास पॉइंट वन मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग तो आपको जीरो पॉइंट वन मोल के लिए कैलकुलेट करना है हर एक केस में सबसे पहला क्वेश्चन है सीएस थ्री में तो सी यू थ्री का जो मास वन मोल का है पहले आप उसे कैलकुलेट करो तो कैल्शियम का होता है फोर्टी उसके बाद कार्बन का हो गया बारह ऑक्सीजन है 16, आपके पास आ गया सौ ग्राम तो जब मास ऑफ मोल निकालना है तो उसे वन मोल में कितना होता है वन मोल में है सौ ग्राम तो जीरो पॉइंट वन में कितना हुआ सौ टाइम्स जीरो पॉइंट वन वही कराए सौ टाइम्स जीरो पॉइंट वन मतलब टेन ग्राम अब अगला आप खुद ट्राई करिए थर्टी टू प्लसिजन का प्लस एक बड़ा सा टेन बाहर निकाल के अंदर एटीन लिख दो वॉटर का ठीक है उसके बाद आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपका आ गया थ्री थर्टी थ्री ट्वेंटी टू तो जब वन मोल में थ्री ट्वेंटी टू तो जीरो पॉइंट वन मोल में कितना हुआ तो ट्वेंटी टू टाइम जीरो पॉइंट वन तो आंसर आ गया 32.2 टू आई बात समझ मूविंग ऑन टू पार्ट सी सी ए सी एल टू सबसे पहले मास निकाल लो कैल्शियम का होता है चालीस क्लोरीन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव टाइम्स टू ट्रिपल वन तो इसे भी जीरो पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया इलेवन पॉइंट वन ग्राम ठीक है बच्चा पार्टी डी पार्ट मैग्नीशियम एम जी ठीक है मास ऑफ वन मोल में कितना हुआ 24 0.1 में कितना हुआ उसे मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया 2.4 g ओके स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 हिम्मत रखो बस होने वाले हैं यहां तक पहुंच ही गए हो तो चलो भाई कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ये हमने कर लिया क्वेश्चन 14 पे करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ

पर पहले अपनी प्रॉब्लम तक पहुंचाओ तो 90% स्टूडेंट्स मैंने देखा है दे दे टू टू रीच आउट मी ईमेल ईमेल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं आपको पे भी एक्सप्लेन कर सकती बट तो चलो तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ एन ए टू सीओ थ्री ठीक है इसमें आपको कैलकुलेट करना है तो so, सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके एटम है कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल तो अगर आप कैलकुलेट करो तो दस तो आपके ऑक्सीजन की यही हो गए लास्ट में एन ए टू सीओ ये हो गए दस एटम ऑक्सीजन के यहाँ तीन हो गए ये तो तेरह तो आपके ऑक्सीजन निकल गए तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मोल थर्टीन टाइम्स जो आपका नंबर दे रखा है ठीक है यह आपका आ गया वन मोल का आपको कैलकुलेट कितने का करना था जीरो पॉइंट वन मोल का कैलकुलेट करना है तो जीरो पॉइंट वन के लिए जो भी आपने आंसर निकाला है टाइम जीरो पॉइंट वन कर दो तो फाइनल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे ये दोबारा सुन लो बात आपको अगर कोई भी एक एटम का, ना, का नाम एलिमेंट का नाम देके पूछ लिया गया है एक बड़े से कंपाउंड में सबसे पहले कैलकुलेट करो कि उसके एटम कितने हैं इस केस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने थे आपके पास 13 थे ठीक है जब आप 1 मोल का निकालोगे तो जो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है वो कहती है 6.022 10 टू द पावर 23 और क्योंकि आपके पास 13 एटम्स हैं उसको आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे यह आई इंफॉर्मेशन पूछा कितने का है 0.1 मोल में तो इसी पूरे इंफॉर्मेशन को 0.1 मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा Times 10 to the 23, atoms. चलो भाई मैं समझदार बच्चों खुद से कर कर लो लो करो और कर लो. जिन्हें आगे कितना है, one gram atom होता है. तो वन ग्राम में कितना हुआ वन अपॉइट ट्वेंटी थ्री और क्वेश्चन पूछा है तो 4.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2 ग्राम एटम देन मूविंग टू द थर्ड पार्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्रामस ऑफ ऑक्सीजन गैस अब क्योंकि ऑक्सीजन गैस कह दी है मतलब O2 तो जब आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो 32 आएगा सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 32 32 ग्राम में होता है एक मोल तो 1 ग्राम में कितना हुआ 1/32 मोल पूछा गया है 12 में तो टाइम्स बारह कर दो जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव मोल्स इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो है कि आपको टर्म्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको पता होना चाहिए जब मैं कह रही हूँ ग्राम मॉलिकुलर मास तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ अगर मैं कह रही हूँ रिलेटिव समथिंग रिलेटिव ऑटोमिक मास तो मैं क्या कह रही हूं आपको ये चीजें पता होनी चाहिए दूसरी चीज सारे टाइप के क्वेश्चंस एक एक बार करे होने चाहिए ऐसा नहीं कि अच्छा ये तो हो जाएगा, नहीं अपने हाथ से सॉल्व करो, लिखो अपने रजिस्टर पे, ठीक है, तभी समझ में आएंगी जी, और तीसरी चीज़, जो स्टैंडर्ड है ना हमारा, क्या है हमारा स्टैंडर्ड? One g m m equals one mole equals six point zero two two times ten to the power twenty three molecules is equals to twenty two point four liters, इसको एकदम बड़े-बड़े कॉलम में ना बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट ठीक है ये अगर समझ में आ गई चीज और मूवमेंट आ गया समझ में बीच में कि इससे इधर कंपेयर कर दिया इससे धर कंपेयर कर दिया फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे ठीक है जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहां पर आ गए हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ पे आई थिंक दैट इज समेयर बिलो योर हां जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टींथ वॉट मास ऑफ कैल्शियम विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन थ्री पॉइंट टू ग्राम ऑफ सल्फर अच्छा वॉट मासम कैल्शियम निकालना है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स है अच्छा चलो ऑफ सल्फर सो थर्टी टू ग्राम सल्फर कंटेन थर्टी टू क्या है स्टैंडर्ड वाले यूनिट पे आ गए सल्फर का वजन है दैट इज हाउ मच सल्फर वेज ठीक है 32 ग्राम ऑफ सल्फर कंटेन्स इतने एटम्स ऑफ सल्फर तो 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा 1 ग्राम कंटेन करेगा इसे डिवाइड करो 32 से सो so 3.2 कितना कंटेन करेगा 3.2 कंटेन करेगा क्यों से 3.2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो यू एंड अप गेटिंग क्योंकि 3.2 है और 32 है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है यू एंड अप गेटिंग 6.022 टाइम्स इनटू द पार्ट 22 एटम्स ऑफ सल्फर ठीक है अब वो हमें बोल रहा है कि कैल्शियम में अगर सेम होंगे तो कैल्शियम का वजन कितना होगा अगर से में सेम नंबर ऑफ एटम्स है तो जब आप पहले आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे वहीं से स्टार्ट होगा ठीक तो है तो सिक्स पॉइंटी थ्री एटम होते हैं कैल्शियम में जब वो चालीस ग्राम का है ठीक है मतलब जो कैल्शियम का अपना वजन है तो इतने एटम में इतना वजन है तो ये जब यार्वेंटी टू होना चाहिए तो जब इतना होगा तो कितना वजन हुआ तो 40 डिवाइडेड बाय 23 वाला हो जाएगा मल्टीप्लाईड बाय 22 वाली इंफॉर्मेशन तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4 ग्राम ये वाला क्वेश्चन काफी पॉपुलर क्वेश्चन है बेटर राइट स्टूडेंट्स सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन आज के सेशन में हमने फर्स्ट 15 क्वेश्चंस कवर अप करे हैं दिस वाज द फास्टेस्ट आई कुड गो ताकि अगर आप मेरे चैनल पे आके फिर स्पेंडिंग फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स अपने एग्जाम टाइम पे तो एटलीस्ट उसकी वैल्यू आपको मिले ज्यादा गपशप नहीं मारी है कुछ फालतू बातें नहीं करी हैं वी वर ऑन पॉइंट विद क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करे हैं अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या करना है तो यू रीच आउट टू मी एंड हाउ वुड यू डू दैट सो यू कैन राइट मी एन ई मेल एट पी एस क्लासेज आईसीएस रिपीट माई सेल्फ Classes icsc at gmail.com. You can also write me through on Telegram or you can comment in the comment box down below and I'm here to help you out in solving your questions. Thank you so much, students. Make sure that you subscribe to the channel and share the channel with your friends. And we'll catch up in the next session super soon.